अक्सर हम लोग मंजिल की तलाश में सफ़र का मज़ा लेना भूल जाते हैं। हमारा सारा फोकस मंजिल की तरफ इतना चला जाता है, एक रिजल्ट की तरफ इतना चला जाता है कि हम सफ़र को इंजॉय ही नहीं कर पाते। सफ़र भी बहुत खूबसूरत होता है यार, उसको भी इंजॉय करना सीखो। इट मीन्स कि हर चीज़ का टाइम बहुत खूबसूरत होता है, जो टाइम आप सफ़र में निकाल रहे हो, सफ़र नोट सफ़र SUFFER वाला सफ़र नहीं, सफ़र, वो भी बहुत खूबसूरत होता है यार। कभी ध्यान से देखो, जो टाइम आपके सफ़र में लग रहा है ना, वो टाइम आपके जो वेट में लग रहा है, वो टाइम इतना खूबसूरत है कि वो कभी नहीं लौटेगा। मंजिल तो पहुंच ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धंजल। और अभी तक जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वेल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दो। सो मैं पहुँच चुकी हूँ तेलंगाना। तेलंगाना एक स्टेट है। पहले मुझे पता तेलंगाना का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तेलंगाना की गाड़ियों में TS लिखा होता है बेसिकली। एंड इस वक्त मैं तेलंगाना के अंदर हूँ एंड आई एम ऑन NH 44, आई गेस यस NH 44। और मेरा सफ़र अभी भी बहुत बाकी है। सो मैं सो रही थी एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्लीप। पता नहीं मैं कितने घंटे सोई हूँ, बहुत सारे घंटे सोई हूँ मैं। सो इट्स गोना टेक लाइक it's gonna take a lot of time still to reach the destination. मैं पहुँचूँगी कल, but हमने मतलब मैंने बिल्कुल भी मतलब वो कहते ना, मतलब गाड़ी रुकी नहीं है, गाड़ी चलती जा रही है। और अभी हैदराबाद आएगा तेलंगाना के बाद। तो मैंने कल रात को इंदौर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्रॉस किया एंड अभी तक मेरा पेट्रोल जो लग चुका है वही लगभग 7,000 के आसपास, 7,000 लगा है। कल मैंने 2,000 का और डलवाया था, अभी पेट्रोल लग डलवाऊंगी। बट सबसे हार्डशिप क्या होता है, सबसे हार्डशिप होता है आपका टोल टैक्स। आपका टोल टैक्स भी लगता है, तो समवेयर 3,000 के आसपास मेरा टोल टैक्स, मतलब यू नो इस पूरे सफ़र का 3,200 के आसपास का टोल टैक्स मेरा लगेगा। सो अभी काफ़ी लग चुका है, आई हैव टू चेक, आई हैव नॉट सीन माई मोबाइल येट दूसरा वाला। सो इट्स जस्ट अ वेकी वेकी मॉर्निंग विद यू पीपल। पर बीच में रास्ते में रात को बहुत खराब मिले थे और मैं आपको बताना भूल गई गाइस, मेरा पैर स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है कि कल रात को मुड़ चुका है गंदे तरीके से। अब मैं चल मुश्किल से पाऊंगी थोड़ा होगा इस तेलंगाना में पेट्रोल के रेट यहाँ पे, मतलब मैं जिस यहाँ पे लोकल पेट्रोल पंप पर हूँ, इट्स नयारा के जो पेट्रोल पंप के रेट है, इट इज़ लाइक 115। सो मैंने अभी मेरी गाड़ी पूरी पेट्रोल मतलब नहीं था, सो मैंने अभी 1100 का पेट्रोल डलवाया है एंड अमूल पे जाऊंगी यार। आई एम नॉट हंग्री बट आई नीड मिल्क। हम लोग मतलब कुछ खाया ही नहीं यार कल रात से, थोड़ी सी मैगी खाई है बस यार। ये जगह बहुत बहुत मतलब हवा यहाँ की बहुत खूब जा रही है, यहाँ गर्मी नहीं है, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है। फिलहाल मेरे पैरों की प्रॉब्लम की वजह से, मेरी चोट की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो रहा है, बट चलना तो पड़ेगा ही, रुक तो सकते नहीं है। ठीक हो जा तू जल्दी से। इसको मैंने पता है मतलब गिरने के बाद ही ना मैंने इसको हीटर के नीचे रख दिया था, मतलब हीटर ऑन कर लिया था गाड़ी का काफ़ी देर तक, बट फिर भी ना इसके राइट साइड पे स्प्रेन गया नहीं। आई थिंक इट्स गोना टेक टाइम क्योंकि मैं इस बार कुछ भी नहीं लाई हूँ, वॉलनी एंड ऑल। आई स्टॉप हेयर। इनका वैन था छोटा सा और इनका जो ब्रेकफास्ट था ना, इट वॉज सो यमी, ट्रस्ट मी। ये डोसा था इनका हैंडमेड एंड इट वॉज एक्चुअली डिलीशियस। 30 rupees का फूड सर्व किया, उसके अंदर मैंगो का ना मतलब मैंगो का पेस्ट का कुछ बनाया हुआ था विद अदर थिंग वॉज लाइक हम जो नॉर्मली खाते हैं वो चटनी। प्यारा लग रहा है ड्राइविंग करते वक्त। आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स ऑफ यू नो, आई कॉन्ट, मतलब इतना खूबसूरत सफ़र है। आई नो
यू नो प्लेन बहुत खूबसूरत सफ़र होता होगा, बट पता नहीं मुझे रोड से क्या लगा हुआ है सच में. बट यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं यार, बहुत सही रोड्स हैं, बहुत मेंटेन करे हुए गवर्नमेंट ने. जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम मिडल ऑफ नोवेयर होते हो सीरियसली. मतलब दिस इज अभी भी तेलगाम मेरा खत्म नहीं हुआ. तेलगाम मतलब इतना बड़ा, मुझे भी नहीं पता तेलगाम इतना बड़ा है. तेलगाम तेलगाम इट्स TELAGAM. मैं दिखा रही हूँ स्पेलिंग. ओह माय गॉड, कमेंट करिए बताओ मेरा फर्स्ट टाइम इन स्टेट में. ओह माय गुडनेस, यू विल बी लाफिंग ऑन मी अगर तुम लोगों को मैं ये बता दूँ कि मुझे स्टेट का कुछ ज़्यादा पता नहीं था. ठीक है, और कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था कि ये स्टेट एग्जिस्ट, ये स्टेट एग्जिस्ट करता है. अब हंसोगे तुम लोग मुझ पर कि मैं इतना घूमती हूँ फिर भी नहीं पता था. मेरा पैर पहले से काफ़ी बेटर है, मैं चल पा रही हूँ ढंग से, बट पेन नहीं गया है कि मैं ड्राइव भी कर रही हूँ. फिलहाल मैं ऐसे ही एक खेत की तरफ आई हूँ. आई शो यू, आई डोंट नो किस चीज़ का खेत है, बट भैया बात करेंगे तो भैया से बात करते हैं हम. ओह माय गुडनेस, हेलो. तो गाइस कुल्फी पहले एक बार टेस्ट कर लें. कितने की है ये? 20 का है. सो मैं क्रॉस कर रही हूँ बेसिकली आंध्र प्रदेश का आउटर एरिया. एंड लुक एट दिस प्लेस, लुक एट दिस स्काई, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल. कुछ खाएंगे मैम अभी, लेट्स जस्ट गो एंड देखते हैं क्या है, क्योंकि रास्ते में क्या ही पड़ा. मतलब रास्ते में बहुत है बट ये कुछ अच्छा लग रहा है. हाँ थैंक यू. नींबू है सो दैट्स गुड. आफ्टरनून, आफ्टरनून की जगह शाम ही हो गई है यार. गाइस एक बात माननी पड़ेगी गाइस, साउथ इंडियन का फूड बहुत यम्मी होता है. अमेजिंग. सो इफ यू आर लक्की तो यहाँ पे जानवर देखने को मिल सकते हैं. इस वक्त बज रहे हैं मतलब सुबह के 2:30 एंड आई एम अबाउट टू रीच. इट्स लाइक 2 आवर का रास्ता और बचा है मेरे लिए, 2.5 घंटे अराउंड, नॉट 2 घंटे. एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस, दिस इज एक्चुअली मतलब अभी सुबह कितनी खूबसूरत लग रही होगी. अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इन रास्तों में. सो एक्चुअली पता है रास्ते में ना 2 चेक पोस्ट पड़ते हैं. मतलब चेक पोस्ट तो बहुत होते हैं यहाँ पे आने के लिए, बट 2 जगह ऐसी पड़ेंगी जहाँ पे आपकी 50 रुपये की स्लिप कटेगी और एंड में वो आपको स्लिप देनी है. तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे ना मतलब जब आप एंटर कर रहे हो ना केरला, सो यू विल बी रिटन एवरीथिंग, योर डिटेल्स, द नेम, कहाँ से आ रहे हो. ओह माय गॉड, रात को भी लाइसेंस और सब चेक हुआ है. चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब 50 रुपये वो ले लिए पुलिस वालों ने, हद ही हो चुकी है. मतलब 100 रुपये ले लिए, इतनी सिक्योरिटी, इतनी चेकिंग, 4 जगह तो पोस्ट में आपको अपना नाम नंबर पता क्यों आए हो सब बताना पड़ता है. तो वैसे हम रात को कर्नाटका आई मीन केरला एंटर करते हुए, आई डोंट नो आई एम सेइंग कर्नाटका बिकॉज जंगल रिमाइंड्स मी ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, कि मैंने सबसे पहले जंगल जो देखे थे वो डांडली के देखे थे. मतलब जिनको सबसे मतलब हाई रिच इन फॉरेस्ट माना जाता है. एंड यहाँ पे कहते हैं कि यू नो इफ यू आर लकी यू कैन सी जानवर रीचिंग द प्लेस. वो धीरे धीरे सुबह हो रही है यार. आई डोंट वांट टू स्लीप बट आई एम प्रीटी एग्जॉस्टेड. मेरे सामने बहुत बड़ा बिजली का खंभा है एंड व्यू भी है.
I'm gonna take nap. I'm gonna sleep. And see you tomorrow with the vlog. Thank you so much for watching.